लगातार दो दिन हुई बरसात से नहटोर क्षेत्र के गांव को जोड़ने वाले रास्ते पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। वहीं एक स्कूल बस के पानी में गिरने के कारण बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि मंगलवार को नहटोर क्षेत्र के गांव मुस्सेपुर में स्थित ज्ञानदीप इंटर कॉलेज की बस स्कूली बच्चों को घर छोड़ने के लिए जा रही थी। वो मुस्सेपुर आकू मार्ग पर चल रहे वाहन सड़क किनारे पानी में धंस गई, जिससे बस में बैठे बच्चों में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग बस की ओर दौड़े तथा उसमें बैठे बच्चों को बाहर निकाला। स्कूली बस के पानी में धंसने की सूचना से आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए तथा ट्रैक्टर व क्रेन की सहायता से बस को बाहर निकाला। अगर बस पलट जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि नहटोर क्षेत्र के गांव तारकोला, मुस्सेपुर, नसीरपुर, पाली, जसमोरा, सिजौली, सिजोला, शादीपुर आदि गांव को जोड़ने वाले रास्तों पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिस कारण स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्कूल आने जाने में तथा ग्रामीणों को शहर आकर बाजार करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि जब तक पानी पूरी तरह सड़कों से नहीं उतर जाता, तब तक शासन प्रशासन को इन रास्तों पर चलने वाली स्कूल बसों को बंद कर देना चाहिए तथा बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।